हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 28 इंच का ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन बता रही हूँ। आप देख सकते हैं ये लेस वर्क डिज़ाइन है, सिंपल है और लेटेस्ट है। देखिए मैंने लेंथ लिया है, मैंने 14 इंच 13 इंच में कंप्लीट करना है और चेस्ट 7+2 लिया है और वेस्ट भी मैंने 6.5 एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच लिया है। आर्मर और शोल्डर दोनों भी 5.5 इंच लिया है और डीप विड्थ लिया है मैंने 2.5 इंच और नेक विड्थ लिया है मैंने 2 इंच। आप नेक लेंथ आपके हिसाब से आप रख सकते हो, आपको कम ज़्यादा जितना चाहिए आप रख सकते हो उसके हिसाब से। और मैंने इधर यहाँ पर स्क्वायर नेक कटिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह मैंने स्क्वायर नेक कटिंग किया है। और मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को भी इस तरह रखते हुए दोनों को भी अटैच कर रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत सिंपल है और लेटेस्ट है और ट्रेंड में भी चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत लोगों को पसंद किया है ये डिज़ाइन को भी। देखिए इस तरह रखते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को भी अटैच करके लेंगे चारों साइड। फ्रेंड्स, आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको ये डिज़ाइन ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं ये डिज़ाइन कैसा लगा आपको। और मैं आपको बताने का मीन्स समझाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर चारों साइड इस तरह स्टिचिंग करके ले रही हूँ। आप बिगिनर्स रहेगा तो हॉलपिंस पे अटैच करके आप यहाँ पर स्टिचिंग कर सकते हो। अभी जो एक्स्ट्रा मार्जिन आता है उसको कट कीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन को कट किया है, आप देख सकते हैं इस तरह। एक्स्ट्रा मार्जिन जो ब्लाउज पीस का जो कपड़ा है उसको ही कट करना है, गलती से भी आप अस्तर का कपड़ा कटिंग नहीं करना है। देखिए हो गया है, अभी मैं टक्स पॉइंट लगाऊंगी यहाँ पर। अभी टक्स पॉइंट के लिए मैंने ये छोटा ब्लाउज है, 28 साइज का जो ब्लाउज है, ये टक्स पॉइंट मैंने विड्थ में लिया है 3 इंच लिया है और डीप में भी मैं 3 इंच ही ले रही हूँ क्योंकि बहुत छोटा साइज है ब्लाउज, इसलिए मैंने 3-3 इंच का ही लिया है। यहाँ पर छोटा सा कट लगा के दोनों साइड इस तरह टक्स पॉइंट दे दूँगी। टक्स पॉइंट देने के टाइम मैंने टक्स बैक का जो टक्स स्टिचिंग करने के टाइम सिर्फ एक ही स्टिचिंग दिखा रही हो, आप दो दो स्टिचिंग लगाना है यहाँ पर। और मैंने कमर का पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का पट्टी लिया है, ये 1.5 इंच है और लेंथ मैंने ज़्यादा लिया है कमर के हिसाब से। इसको वन साइड फोल्डिंग करके इस तरह स्टिचिंग करके लीजिएगा। इस तरह स्टिचिंग करने के बाद इसको पट्टी को कमर के ऊपर के भाग को इस तरह रखते हुए स्टिचिंग करना है। और जो मैंने टक्स पॉइंट लगाया था यहाँ पर स्टिचिंग किया है, वहाँ पर छोटा सा प्लेट्स दे के स्टिचिंग कीजिएगा ताकि फिनिशिंग फोल्डिंग करने के बाद जो स्टिचिंग करता है तभी फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। अभी ऊपर भी मैंने स्टिचिंग की, यहाँ पर आप स्टिचिंग भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग ही कर रही हूँ क्योंकि लेस ऐड करूँगी, जो लेस वर्क से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर स्टिचिंग लगा रही हूँ। देखिए हो गया कमर का पट्टी, देखिए अभी नेक का पट्टी देंगे। नेक पट्टी के लिए मैंने सीधा कपड़ा कटिंग किया है और ये सिर्फ 1 इंच है, 1 इंच का कपड़ा कटिंग किया है मैंने विड्थ में। इसको वन साइड फोल्डिंग करके स्टिचिंग करना है और उसके बाद गले में अटैच करना है इस तरह। कमर का पट्टी के लिए ज़्यादा रहना चाहिए और गले का पट्टी के लिए छोटा रहना चाहिए पट्टी। इस तरह स्टिचिंग करना है और यहाँ पर इस तरह आप फोल्डिंग करके स्टिचिंग कीजिएगा इस तरह। इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कीजिएगा यहाँ पर और यहाँ पर छोटा छोटा कट लगाइएगा कोने पे यहाँ पर ताकि फोल्डिंग करने के टाइम आसान हो जाए, इसलिए
कट लगाना है। अभी पट्टी को इस तरह फोल्डिंग करके और स्टिचिंग लगाना है पट्टी के हुक पर। देख सकते हैं कमर का पट्टी बड़ा रहता है और गले का पट्टी छोटा रखना है। इस तरह छोटा रखने से फिनिशिंग अच्छा आता है। कभी भी गले का पट्टी छोटा ही रहना है। हुआ है अभी फोल्डिंग करके यहाँ पर भी मैंने स्टिचिंग लगा रही हूँ। आप चाहिए तो तुरपाई भी लगा सकते हैं, मीन हेमिंग भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर स्टिचिंग ही लगा रही हूँ दोनों साइड में भी। ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर हेमिंग मत लगाइएगा, स्टिचिंग ही लगाइएगा, ताकि लेस वर्क ऐड करना है हम लोग को, लेस से जो डिज़ाइन बनाना है तो हेमिंग दिखेगा नहीं। सो यहाँ पर स्टिचिंग कीजिएगा। और देखिए मैंने बैक पार्ट का पूरा स्टिचिंग करके हो गया है। अभी मैंने कौन सा भी आपके पास जो अवेलेबल है, जो लेस कौन सा भी जो ब्लाउज पीस का जो साड़ी में मैचिंग होते हैं वो वाला लेस आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का लेस ले रही हूँ। कौन सा भी डिज़ाइन का भी, कौन सा भी साइज का आप ले सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर कट कर रही हूँ। कट करके मैंने चारों साइड मैंने यहाँ पर लेस को अटैच करूँगी। देखिए यहाँ पर भी मैंने आगे पीछे सिलाई लेके मैंने लेस को पक्का कर रही हूँ स्टिचिंग करके, ताकि लेस का जो कोने में एक मतलब निकल ना जाए। इसलिए देखिए यहाँ पर भी हो गया। एक्स्ट्रा जो लेस का जो कपड़ा है उस सबको कटिंग करके फिनिशिंग के साथ आपको स्टिचिंग करना है। और यहाँ पर भी मैंने सेम इसी तरह स्टिचिंग करके ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह जो यहाँ तक कि आपको अटैच करना है, पूरा अटैच नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना ऐसा अटैच करके यहाँ पर पक्का करना है, क्योंकि लेस निकल ना जाए। आपको पता है कि लेस का जो कोना रहता है, जो कटिंग करता है हिस्सा, वो बार बार थोड़ा सा निकल जाता है, ऐसा नहीं निकलना। इसके लिए वहाँ पर मैंने आगे पीछे सिलाई लेके पक्का किया है। और यहाँ पर कितना पट्टी है उतना लेने का, यहाँ पर भी मार्किंग लगाने का, यहाँ पर 3.2 आया है और यहाँ पर भी मैंने 3.2 के लिए मैंने मार्किंग लगाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो पट्टी है, जो बैक साइड का नीचे का जो पट्टी कितना है, उतना ही हमको पूरा इस तरह मार्किंग लगाने का है। और उसके बाद यहाँ पर भी लेस ऐड करना है। आप पूरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा। डिज़ाइन आपको पूरा और भी है, डिज़ाइन इसमें बहुत प्यारा डिज़ाइन है। स्किप मत कीजिए वीडियो को, पूरा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा ये डिज़ाइन। और इस तरह घुमाते हुए मैंने फिर वापस यहाँ पर और एक स्टिचिंग लगा रही हूँ लेस के ऊपर। दोनों साइड में भी आपको स्टिचिंग लगाना है। और कौन सा भी, और एक बात याद रखिएगा, कौन सा भी आप डिज़ाइन बनाने के टाइम, लेस ऐड करने के टाइम लेस को खींचना नहीं है, खींच के मत लगाइएगा। जितना हो सकता है उतना फ्री में, एकदम लूज में छोड़ के आपको लेस ऐड करना है, स्पेशली डिज़ाइन बनाने के टाइम। जो लेस वर्क का जो डिज़ाइन होता है वो बनाने के टाइम आप लेस को खींचना नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं स्टिचिंग करके ले रही हूँ लेस को इसी तरह। इसको पूरा, ये लेस को भी दोनों साइड में भी स्टिचिंग करके लेना है आपको। यहाँ पर भी मैंने दोनों साइड स्टिचिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर पक्का कर रही हूँ लेस को, ताकि उधर जॉइंट किया वो निकल ना जाए। इसलिए देखिए इस तरह आता है। अभी आगे एक इधर यहाँ पर इस तरह फोल्डिंग करके जो सेंटर में जो निशानी आता है, इस तरह आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर एक निशानी, इस तरह मैंने मार्क लगा रही हूँ यहाँ पर। इस तरह मार्क लगा के एक सुई और धागा, इस ये मदद से हम लोग इधर स्टिचिंग करेंगे, मीन्स थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए मैंने पहला जो डिज़ाइन बनाने से जो पहला मैंने पक्का कर रही हूँ टॉप लॉक लगा के, उसके बाद इस तरह आपको जो हेमी फॉल लगाने के टाइम हम जिस तरह यूज़ करता है, उस टाइप का आपको यहाँ पर सेंटर में स्टिचिंग करना है, यहाँ पर सुई और धागा की मदद से।
देखिए इस तरह डिजाइन इस तरह करना है और थोड़ा सा टाइट करना है आपको, थोड़ा रिंकल्स आना चाहिए ऐसा। आपको जितना रिंकल्स चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खिंचके ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा डाउन हो जाए और यहाँ पर थोड़ा सा रिंकल्स आ जाए। उस इस तरह आने से डिज़ाइन बहुत अच्छा बनता है। ज़्यादा नहीं करना है आपको ये डिज़ाइन बनाने के टाइम, सिर्फ 1/2 इंच ज़्यादा रखना है लेंथ में, ताकि इधर रिंकल्स आके थोड़ा सा लेंथ कम हो जाता है। इसके लिए आपको कटिंग करने के टाइम 1/2 इंच स्टिचिंग मतलब लेंथ में ज़्यादा रखना है। देखिए इस तरह आता है। आप चाहिए तो और भी रिंक कम कर सकते हो, और ज़्यादा आपको डिज़ाइन पट्टी छोटा चाहिए रहेगा तो और डीपली आप कम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्का सा ही डाउन किया है, मैंने देख सकते हैं आप। देखिए इस तरह आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह होने के बाद यहाँ पर बीच में मैंने एक लेस पैच लगाया है। पैच को पक्का कीजिएगा यहाँ पर इस तरह स्टिचिंग लगा के। मैं पहले से ही बताया आपको, और डीपली आपको वो जो आज सिलाई किया था सुई से रिंकल्स आया वो डिज़ाइन बनाने के लिए डाउन किया था, वैसा और ज़्यादा चाहिए तो आप कितना चाहिए उतना डाउन कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा ही किया है। इस तरह करने से डिज़ाइन भी बहुत अच्छा दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है। और ये छोटा ब्लाउज है, 28 साइज का जो ब्लाउज है, इसलिए मैंने थोड़ा ही किया है। आपका ब्लाउज 36, 38 या 40 रहेगा तो और ज़्यादा आप डाउन कर सकते हैं। देखिए इस तरह बनके रेडी हो गया है। लेस को मीन्स पैच को अच्छे से इस तरह स्टिचिंग लगा के पक्का कीजिएगा और फाइनली यहाँ पर एक लॉक लगा दीजिएगा मजबूत से। देखिए इस तरह मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए इस तरह आ जाता है। इस तरह ब्लाउज बैकनेक डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया, ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टिचिंग के रिलेटेड और ढेर सारी वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, और बाजू में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आएगा तो वीडियो आपको पहली बार देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।